पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था डोबेरियंस ट्रायड्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो उन्होंने किस प्रकार ट्रायड्स बनाए थे और उसके लिमिटेशंस क्या थे। तो कुछ लिमिटेशंस की वजह से ट्रायड्स का रूल फेल हो गया था। तो उसके कुछ साल बाद, काफी साल बाद, और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया क्लासिफिकेशन, बनाया एलिमेंट्स का, और उन्हें भी बड़ी सफलता मिली। वो थे न्यूलैंड्स। जैसे डोबेरियंस के ट्रायड्स थे, उस प्रकार न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स बनाए थे उन्होंने। ऑक्टेव्स मीन्स ग्रुप ऑफ एट। देखेंगे हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मीन्स ग्रुप ऑफ एट एलिमेंट्स। तो देखो, न्यूलैंड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ही वॉज ए म्यूजिक लवर। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। तो आपको पता है, अगर इंसान को किसी कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है तो वो ज्यादा उसी के साथ रहता है, उसी के साथ कुछ वर्क करना चाहता है। कोई बच्चा क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद हो और उसके हाथ में एग्जाम का पैड भी है, तो रास्ते में चलते टाइम पैड से ही, जैसे बैट इस्तेमाल कर रहा है वैसे चलता है। कोई बच्चा बहुत उसको गाने अगर पसंद है तो चलते चलते गाने गुनगुनाता है। इस प्रकार न्यूलैंड भी बहुत गानों के शौकीन थे, म्यूजिक के शौकीन थे, और उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद आता था। तो आपको पता है, तो म्यूजिक कैसा भी हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज का हो, चाहे फिर वो इंग्लिश का हो, या फिर कोई और लैंग्वेज का हो, तो म्यूजिक में 7 टोन्स होते हैं और 8वां जो टोन होता है तो फर्स्ट के जैसा, पहले जैसा सेम होता है। तो 7 टोन के जैसा न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज करने का प्रयास किया था। वो 7 टोन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, लास्ट 8वां जो टोन है वो फिर सा है, जो कि पहले जैसा है। सा रे ग म प ध नी सा, सा मतलब लास्ट वाला फिर पहले जैसा आता है। तो इस प्रकार, इस टोन के हिसाब से, टोन के जैसा एलिमेंट्स को अरेंज करने का ट्राई न्यूलैंड्स ने किया था। मतलब उन्होंने केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिक्स किया था। तो केमिस्ट्री तो उन्हें पसंद आता था और साथ में म्यूजिक भी पसंद आता था। वो दोनों को मिक्स करके उस टोन के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करने का ट्राई किया उन्होंने। तो क्या किया था देखो, उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट लिया और एलिमेंट्स अरेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे कोई पहला एलिमेंट है तो सबसे पहला एलिमेंट जो है उसका वेट सबसे कम होगा, फिर आगे वाला उससे ज्यादा होगा, फिर वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ही अरेंज्ड ऑल नोन एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड ही स्टार्टेड विथ लाइटर एलिमेंट हाइड्रोजन। अब आप स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट है, और कोई एनसीईआरटी का अगर बुक आप देखेंगे तो उसमें लिथियम से स्टार्ट किए वाला दिया है। तो आपको स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करना है तो हम लोग स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखेंगे और स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। और उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो उसने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और लास्ट एलिमेंट था उनका थोरियम। थोरियम पे उनका पीरियोडिक टेबल एंड होता था। तो पहले वाला एलिमेंट था हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, अब बोलेंगे सर हीलियम है। तो उस टाइम नोबल एलिमेंट्स की, नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो नोबल गैसेस एलिमेंट्स नहीं थे। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अभी मैंने आपको बताया नोबल गैस नहीं थे, मतलब नियॉन नहीं है यहाँ पे, फिर सोडियम, मैग्नेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन तो नहीं होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम कैल्शियम इस प्रकार के हमने एलिमेंट्स अरेंज कर लिए, मतलब और सारे बहुत सारे एलिमेंट्स थे उस टाइम जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे रो बनाए थे उन्होंने 8, मतलब इस ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज 8 और कॉलम 7, मतलब उन्होंने 8 × 7 मींस 56 बॉक्सेस बनाए, 56 बॉक्सेस बनाए और हर एक बॉक्स में एलिमेंट्स रख दिए। अब देखो और उन्होंने अरेंज एलिमेंट्स पूरे अरेंज करने के बाद एक स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट दिया उन्होंने, क्या स्टेटमेंट था देखो उनका, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट देन एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। उसका मतलब क्या है, अगर पूरे एलिमेंट्स एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर अरेंज करें तो हर एक 8वां एलिमेंट रिपीटेशन है उसके फर्स्ट एलिमेंट जैसा, मतलब किसमें उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन एक नंबर फ्लोरीन 8 नंबर है, तो ये दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है प्रॉपर्टीज। तो क्या सिमिलैरिटीज है देखो, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसके नीचे क्लोरीन उसकी भी वैलेंसी 1 है। अगर आप लोग बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे, इसको अगर एक नंबर देंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बेरिलियम से स्टार्ट करें तो उससे 8वां एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम। अगर आप लोग वो दोनों की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो बहुत आर मेटल्स बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है, मतलब इस प्रकार से एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था क्या, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट देन एवरी 8th एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। कहां से भी स्टार्ट करो, अगर आप लोग ऑक्सीजन के स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और इस प्रकार उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की और एक मेरिट था उनके क्लासिफिकेशन का। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया उन्होंने, वो था पीरियोडिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है, तो उन्होंने बताया था, क्या लिखो बेटा पीरियोडिसिटी मतलब क्या, अगर आप लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर आप लोग अरेंज करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, किसी भी एलिमेंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो वहां से 8वां एलिमेंट उस फर्स्ट एलिमेंट के जैसा है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, मतलब हर एक 8 एलिमेंट के बाद 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां आता है तो फर्स्ट के जैसा है, मतलब ये दोनों के बीच में जो इंटरवल है फिक्स है और प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही है। तो पीरियोडिसिटी मतलब रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। देखो आप लिथियम से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों के बीच में 8 7 एलिमेंट का डिफरेंस है। आप लोग कार्बन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन और सिलिकॉन अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 है, वो दोनों के बीच में भी सेम एलिमेंट का डिफरेंस है और ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, बोथ आर नॉन मेटल्स। मतलब पीरियोडिसिटी का मीनिंग है रीऑकरेंस, मतलब बार बार आना, रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। कब आ रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। रीऑकरेंस ऑफ और रिक्यूरेंस ऑफ, रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज of elements after fixed interval, this is called periodicity। बहुत great point elements का Newland ने बताया, this is the merit of this classification।
न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का एक मेरिट था, प्लस पॉइंट था, उन्होंने क्या पीरियोडिसिटी बताई थी। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे इनके क्लासिफिकेशन के भी। क्या क्या क्लासिफिकेशन थे, उस डीमेरिट्स क्या थे हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें नोबल गैस एलिमेंट्स है, इसमें नोबल गैस एलिमेंट्स नहीं है। और हमने यहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ तक लिखे, कैल्शियम। अगर आप लोग देखेंगे तो इसके बाद कौन आता है बेटा, स्कैंडियम आता है। तो एल्यूमिनियम और स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, मतलब दिस इज वन ऑफ डीमेरिट ऑफ दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब तक कैल्शियम तक पूरा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मतलब हेवियर एलिमेंट्स की जैसे ही डिस्कवरी हो गई, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया, वो फॉलो नहीं हो रहा था जो रूल उन्होंने बताया था पीरियोडिसिटी का। फिक्स इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज आ गई थी तो वो फॉलो नहीं हो रहा था। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट डीमेरिट इज डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स। जब नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, हेवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, तो वो एलिमेंट्स ये ऑक्टेव्स वाला रूल फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वन फर्स्ट डीमेरिट क्या है बेटा, डीमेरिट्स फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स। दूसरा ड्रॉबैक मैं देखो, दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, मतलब अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो रहा है, उसके बाद नहीं। मीन्स दिस लॉ वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। That is elements up to calcium. Or third is the most important drawback of this classification, discovery of noble gases. जैसे ही noble gases की discovery हो गई तो ये classification वाला rule है वो पूरा fail हो गया, पूरा collapse हो गया दिन classification, discovery of noble gas elements. These are the most important demerits. सबसे important उसके drawbacks थे। और एक demerit है इसका, Newland placed more than one elements in same box, like cobalt and nickel. देखो बेटा, ये जो वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो टोटल बॉक्सेस बनाए थे 56 और एलिमेंट्स 56 से ज्यादा थे। जैसे ही वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, बाद में उनके दिमाग में कुछ आया या यार अपना क्लासिफिकेशन जो है हर एक एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज हो गए और कैसे ही एलिमेंट्स को उन्होंने रख दिया। मतलब क्लोरीन के नीचे वाला जो बॉक्स है वहां पे उन्होंने कोबाल्ट और निकेल दोनों को भी यहाँ पे रख दिया, और ये दोनों की प्रॉपर्टीज ना तो क्लोरीन से मिलती है। मतलब दिस इज ए वन ऑफ ड्रॉबैक ऑफ दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये भी लॉ फेल हो गया, तो इसके बाद और दूसरे साइंटिस्ट ने कोशिश की थी क्लासिफिकेशन की, तो कौन है और क्या क्लासिफिकेशन थे, उनके पीरियोडिक टेबल क्या था, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।